हेलो एवरीवन, मैं कुंदन कुमार आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं और मैथ में पढ़ रहे हैं एवरेज। इससे पहले एवरेज का 3 पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर वो वीडियो आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस तीनों का लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाके आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का 4था पार्ट। लेकिन इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो उसके बारे में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं एवरेज पार्ट 4 में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को। तो इस क्रम में सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर 19 है, तो उनमें सबसे बड़ी संख्या, यहाँ पे छूट गया है, तो उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? क्या कह रहा है? दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर 19 है, तो उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन जो है ना कि क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर 19 दिया हो, 25, 30, 35 कितना भी दिया हो, तो उनमें सबसे बड़ी संख्या या सबसे छोटी संख्या अगर पूछे तो एक नोट्स पहले लिख लीजिए। इसमें क्या होगा कि क्रमागत संख्या के वर्गों का जो अंतर रहेगा ना, उसका जो अंतर रहेगा, अगर बड़ी संख्या पूछी जाए, क्या बड़ी संख्या, अगर बड़ी संख्या पूछी जाए तो उस अंतर में क्या कीजिए कि एक जोड़ के और इसको 2 से भागा दे दीजिए। यही नोट्स लिख लीजिए। तो इसमें क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि बड़ी संख्या, तो देखिए बड़ी संख्या के लिए क्या करेंगे, बड़ी संख्या के हम लोग क्या करेंगे, अंतर जितना दिया हो, अंतर कितना दिया है, 19 प्लस क्या करेंगे, इसमें 1 जोड़ देंगे और इसको 2 से भागा दे देंगे। तो कितना हो जाएगा ये, 19 और 1 20 बट्टा में 2। अब इसको क्या करेंगे, काटेंगे, 2 से कितने बार में कट जाएगा, 10 बार में, तो 10 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 10, ये 10 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए इसी पर एक और क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख लें। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर 35 है, तो उनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगा? क्या कह रहा है, सबसे छोटी संख्या क्या होगा? तो इसमें भी सेम वही चीज़ होगा, नोट्स लिख लीजिए, सेम वही चीज़ होगा, अंतर और छोटी संख्या अगर पूछेगा, बड़ी संख्या पूछेगा तो 1 जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, लेकिन अगर छोटी संख्या पूछेगा, क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर अगर दिया हो, याद रखिएगा कि क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर अगर दिया हो और उसमें अगर छोटी संख्या पूछी जाए तो अंतर में से क्या करेंगे, 1 घटा देंगे और उसको 2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो छोटी संख्या पूछ रहा है तो छोटी संख्या बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, छोटी संख्या बराबर हो जाएगा, अंतर कितना दिया हुआ है, 35 दिया हुआ है, और माइनस कितना कर देंगे, 1 कर देंगे, और भागा किससे दे देंगे, 2 से। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 35 में से 1 गया कितना बचा, 34 बट्टा में 2। अब 2 से 34 में काट देंगे, कितना हो गया, 17। यही 17 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर 36 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा गौर से देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा था, पिछले जो 2 क्वेश्चन बनाए उसमें क्या कह रहा था, सिर्फ कह रहा था कि दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर। ये देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना, 36 दिया हुआ है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? तो इसमें भी क्या करेंगे, पहले सबसे पहले यहाँ पे देखिए नोट्स में लिख लेंगे, नोट्स में पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे, अंतर जितना दिया हुआ है, अंतर जितना दिया हुआ रहेगा, अगर बड़ी संख्या अगर पूछा, बड़ी संख्या, तो अंतर में क्या करेंगे, 4 जोड़ देंगे और उसको फिर क्या करेंगे, 4 से ही भागा दे देंगे, 4 से भागा दे देंगे। तो क्या कह रहा है, बड़ी संख्या, तो यहाँ पे लिखेंगे बड़ी संख्या बराबर कितना हो जाएगा, अंतर कितना है, 36, उसमें कितना जोड़ देंगे, 4, अब बट्टा कितना हो जाएगा, 4, तो कितना हो गया ये, 36 और 4 40 बट्टा में 4, 4 से 40 को काट देंगे, कितना हो जाएगा, 10, 10 हमारा आंसर निकल जाएगा। समझ गए? अब आइए सेम ऐसा ही क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कह रहा था बड़ी संख्या, अब इसमें देखिए, इसमें कह रहा है छोटी संख्या, इसमें छोटी संख्या पूछ रहा है, इसमें क्या पूछ रहा है, छोटी संख्या पूछ रहा है, अब इसमें छोटी संख्या पूछ रहा है। देखिए कह रहा है कि दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर 28 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगा? इस पिछले वाले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, बड़ी संख्या, लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है, छोटी संख्या। नोट्स में लिख लेंगे, इसमें क्या करना है, अंतर
और अगर छोटी संख्या पूछ रहा है, छोटी संख्या, तो अंतर करके इसमें कितना कर देंगे, माइनस चार, और इसको क्या करेंगे फिर से भागा दे देंगे कितना से, चार से। तो छोटी संख्या बराबर कितना हो जाएगा, छोटी छोटी संख्या बराबर हो जाएगा, अंतर कितना दिया हुआ है 28, तो 28 माइनस कितना हो जाएगा, चार। अब भागा कितने से दे देंगे, चार से, तो 28 में से चार गया तो कितना बच गया, 24, अब बट्टा में चार, चार से काट देंगे कितने बार में कट जाएगा, छः बार में। ये तो ये छः हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, समझ गए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 11 संख्याओं का औसत 32 है, यदि प्रथम 6 संख्याओं का औसत 34 और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 33 हो तो छठी संख्या क्या हो जाएगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कौन सा संख्या कह रहा है निकालने के लिए, छठी संख्या कह रहा है निकालने के लिए, तो यहाँ पर लिख लेंगे छठी संख्या। छठी संख्या बराबर क्या करेंगे, टोटल संख्या कितना दिया हुआ पहले ये देखेंगे, टोटल संख्या 11, उसका औसत कितना 32 है। अब देखिए वो दोनों क्या किया, अलग अलग कर दिया, प्रथम का अलग और लास्ट का अलग, शुरू का अलग और लास्ट का अलग कर दिया, यानी कि प्रथम 6 संख्या का औसत 34 और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 33 है। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 6 गुना में अगर संख्या दिया हुआ है, औसत दिया हुआ है, तो इसका योग निकालेंगे सबसे पहले कि संख्या का योग कितना हो रहा है। तो योग निकालने के लिए प्रथम 6 संख्या का योग निकालेंगे, तो 6 संख्या का योग निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रथम 6 संख्या से उसका जितना औसत दिया हुआ रहेगा उससे गुना कर देंगे, तो 6 गुना में कितना हो जाएगा 34, और प्लस लास्ट का जो अंतिम का जो 6 संख्या का औसत है, फिर उसका योग निकालने के लिए अंतिम 6 संख्या को अंतिम जितना औसत दिया हुआ है उससे गुना कर देंगे, तो अंतिम 6 संख्या का औसत कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 33 दिया हुआ है। अब इसमें से क्या करेंगे, हम टोटल जो संख्या दिया हुआ है उसको क्या करेंगे, औसत से गुना कर देंगे ताकि टोटल टोटल संख्या का योग निकल जाए। तो टोटल संख्या 11, इसका योग कैसे निकलेगा, तो टोटल संख्या से औसत में गुना करने से। तो देखिए टोटल संख्या कितना है 11, इसको गुना कितने से कर देंगे, इसको गुना कर देंगे हम 32 से। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 6 गुना 34 प्लस 6 गुना 33, देखिए 6 यहाँ भी 6 यहाँ भी 6, क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो कितना बच जाएगा 34, अब प्लस कितना बच जाएगा 33, अब माइनस में कितना बच जाएगा 11 को 32 से गुना कर देंगे, 11 को 32 से गुना कर देंगे, तो बराबर देखिए कितना हो जाएगा, 6 गुना में 34 33 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 67, और माइनस में 11 गुना में 32, तो 6 को 67 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 सत्ते 42, 36, 4 कितना हो जाएगा 40, और 11 को 32 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 352 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 352, और 402 में से 352 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 50, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए इसको एक बार फिर दोबारा समझिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि 11 संख्याओं का औसत 32 है, कह रहा है कि यदि प्रथम 6 संख्याओं का औसत 34 हो और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 33 हो तो छठी संख्या क्या हो जाएगा। इसके लिए छठा संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, कि प्रथम का जो 6 संख्या है उसका योग निकालेंगे, तो उसका योग निकालने के लिए क्या करेंगे, संख्या को औसत से जब गुना करते हैं तो उस संख्या का योग निकल जाता है। तो प्रथम 6 संख्या का औसत कितना है 34, तो 6 को क्या करेंगे 34 से गुना कर देंगे, तो 6 गुना में 34, अब प्लस अंतिम का जो 6 संख्या है उसका औसत कितना है 33, उससे गुना कर देंगे तो 6 गुना में 33, अब माइनस टोटल जितना संख्या है और टोटल जितना औसत दिया होगा उससे गुना कर देंगे तो टोटल संख्या का योग निकल जाएगा। तो अब इसको क्या करेंगे, 6 गुना में 34 प्लस 6 गुना में 33, 6 क्या करेंगे कॉमन ले लिए बच गया 34 प्लस 33 माइनस 11 गुना में 32, उसके बाद 6 गुना में 34 33 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 67, और माइनस में 11 गुना में 32, 6 67 से गुना करेंगे 402 हो जाएगा, 11 को 32 से गुना करेंगे 352 हो जाएगा, अब 402 में से आप 352 को घटा दीजिए कितना बच जाएगा 50 बच जाएगा, यही 50 जो है आपका छठा संख्या निकल गया। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 11 प्रेक्षणों का औसत 60 है, क्या कह रहा है 11 प्रेक्षणों का औसत 60 है, यदि प्रथम 5 का औसत 58 एवं अंतिम 5 का औसत 56 हो तो छठा प्रेक्षण क्या हो जाएगा। अब इसके लिए देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि टोटल संख्या कितना है और उसका औसत कितना है, क्या निकालना है इसमें, छठा
छठा प्रेक्षण निकालना है, छठा प्रेक्षण निकालना है तो इसमें क्या करेंगे, टोटल संख्या कितना है 11 और उसका औसत कितना है 60, तो 11 संख्या का ये क्या निकल गया, योग निकल गया। अब इसमें से माइनस कर देंगे, प्रथम पाँच का औसत कितना है, प्रथम पाँच का औसत है 58, अब प्लस में अंतिम पाँच का औसत कितना है 56, कितना है 5 गुना में 56 हो गया। अब 11 को 60 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 11 छक्के 66, 660 माइनस 5 जो है कॉमन ले लिए, कितना बच गया 58 प्लस में 56 बराबर 660 माइनस 5 गुना में 58 और 56 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8 6 14, 5 5 10 10 1 11 कितना हो गया 114, कितना हो गया 114 बराबर कितना हो जाएगा 660 माइनस 5 चौके 20, 5 एक 5 2 7 और 5 एकम 5 कितना हो गया 570। अब देखिए 660 में से 570 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 90, यही 90 आपका हो जाएगा आंसर। समझ गए, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो कहाँ नहीं आ रहा है, एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक परीक्षा में 100 विद्यार्थियों के अंकों का औसत 48 है, यदि उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का औसत 40 हो और अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का औसत 30 हो तो उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या बताएं। देखिए इसको क्या करेंगे, हम लोग क्रॉस करेंगे, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल देखेंगे कि टोटल औसत कितना है, टोटल औसत देखिए कितना है 48 है। उसके बाद कह रहा है कि उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का औसत, तो अब देखेंगे कि उत्तीर्ण होने वाले, उत्तीर्ण जो हो रहा है, उत्तीर्ण जो हो रहा है विद्यार्थी उसका औसत कितना है, तो उत्तीर्ण जो हो रहा है उसका औसत कितना है 40 है, कितना है 40, 40 है, इसको क्रॉस कर दिए। उसके बाद फिर कह रहा है कि अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का औसत कितना है 30 है, अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण जो हो रहा है यानी कि जो फेल हो रहा है उसका जो औसत है वो कितना है 30 है, इसको क्या करेंगे क्रॉस कर दिए आपस में। उसके बाद देखिए अब 48 यहाँ पे 48 नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा 45, कितना हो जाएगा यहाँ पे 45, ये बाय मिस्टेक है, यहाँ पे 48 नहीं होगा, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 45, कितना 45 हो जाएगा। अब देखिए 45 में से 30 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 15, और 45 में से 40 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब इस दोनों को क्या करेंगे, काट देंगे, 5 एकम 5 और 5 3 कितना हो जाएगा 15, यानी कि उत्तीर्ण होने वाले जो विद्यार्थी है उसका रेशियो कितना निकल गया 3 और अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का रेशियो कितना हो गया 1 हो गया। अब इसमें क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या बताएं, तो उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि टोटल विद्यार्थी इसमें कितना है, तो टोटल कितना है 100 है। अब कह रहा है कि उत्तीर्ण होने वाले, देखिए उत्तीर्ण होने वाले का रेशियो कितना हो गया 3 कितने में, और टोटल उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण जो दोनों का रेशियो है वो कितना है, तो 3 और 1 कितना है 4, उसमें से पूछ रहा है कि उत्तीर्ण वाले का, तो उत्तीर्ण वाले का रेशियो कितना है 3 है और टोटल कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब 4 से क्या करेंगे, 100 को काट देंगे, कितने बार में कट जाएगा 25 बार में, तो 25 को 3 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 75, यानी कि उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी जो है उसकी संख्या कितना हो जाएगा 75, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, अभी एवरेज का लगभग जितने टाइप का क्वेश्चन बन सका ये 4 पार्ट में हमने उतना क्वेश्चन जो है आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए, अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम अगर हुआ हो तो कमेंट करके वो भी बताइएगा, ताकि हम आगे से उसको सुधारने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। तो चलिए इसी के साथ फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, और नेक्स्ट जो है हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ में अब परसेंटेज चैप्टर जो है अगली बार अगले का जो वीडियो होगा वो होगा परसेंटेज का। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद।